इंदौर में स्वागत है ऐसी हैंडसम पर्सनालिटी मेरे सामने। आई एम कंफ्यूज, सवाल पूछूं या देखूं? थैंक यू वेरी मच। पाजी कह सकती हूँ ना आपको? हाँ जी प्लीज, मैं सबका पाजी हूँ। सनीबा जी, 22 साल पहले भी अगर गदर 2 आती तो भी हिट होती, 22 साल बाद 3 आएगी तो भी हिट होगी। बस एक क्यूरियोसिटी थी कि 22 साल का जो गैप रहा तो इतना। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि जब आप गदर 2 का जब प्लानिंग कर रहे थे ना, तो तब क्या ऐसा पता था कि ये इतनी ब्लास्टिंग होगी और मतलब ऐसा धमाल मचाएगी? वही मैं आपसे पहले कह रहा था, जो आप सवाल पूछ रहे हैं मैं इसका जवाब तो ऑलरेडी दे ही चुका हूँ एक तरीके से कि 22 साल इसलिए लगे बिकॉज मैं पहले करना ही नहीं चाह रहा था इसका पार्ट 2, बिकॉज वो फिल्म इतनी प्यारी है मैं उसे छेड़ना नहीं चाह रहा था। और चारों तरफ से जनता चाहती थी कि वो उसका एक पार्ट 2 बने, बिकॉज परिवार इतना हमको पसंद आया था तारा सिंह का। तो कोविड का वक्त था जहां पर हमें कुछ आइडिया मिला, और फिर कोविड का वक्त था जहां 2 साल आदमी उसके ऊपर काम कर सकता था। तो दैट्स व्हाट शर्मा जी एंड द राइटर डिड, और वहां से हमारी कहानी बन गई जो आज आप देख रहे हैं और जो तहलका मचा रही है। यूथ के लिए एक आइकॉन बन चुके हैं आप, और हर मतलब यंग स्टार जो भी है वो ये सोचता है कि सनी जैसा 2.5 किलो का मुक्का हो, और मुक्का नहीं भी हो तो वैसे ही मतलब क्या बोला जी, डैशिंग डायरिंग हो ना। क्या मैसेज देंगे आज आप इंदौर आए हैं तो यहाँ के यूथ के लिए या देश के यूथ के लिए? 15 अगस्त का दिन है तो क्या मैसेज देंगे आपका? मैं यहाँ आया था आज आर्मी बेस पे, वहां पर फ्लैग होस्टिंग करने पर मैं स्कूल गया था, बच्चों के साथ था, और अब आप लोगों के साथ हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था मुझे कुछ खुद को नहीं पता था कि एक जिम्मेदारी क्या होती है एक एक्टर की, लेकिन जिस तरह का सिनेमा मैंने किया और जिस तरह की फिल्में मैं अक्सर करता हूँ, जिससे मैं ज्यादा जुड़ता हूँ, वो सिनेमा ही ऐसा था जहां पर एक या भाई हो या बेटा हो या लवर हो या हस्बैंड हो, जो अपनी इशू के लिए जो भी परिवार के साथ है खड़ता है लड़ता है एक आम आदमी जैसा होता है। और उस वैसे ही सब्जेक्ट करता गया, अर्जुन से शुरुआत हुई थी जहां पर उस तरह के सब्जेक्ट थे। ऐसे करते करते मैंने ढेर सारी ऐसी सिनेमा किया है फिल्में की, और ये युद्ध के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गया। और जब मैंने बॉर्डर की और मैं एक जगह था इंग्लैंड में, तो वहां पर मैं एक पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था, मुझे इतना मैंने गौर नहीं किया था, आगे मैं बैठ गया तो वहां पे जो पेट्रोल वाला था लड़का था सरदार जी थे, वो आया दौड़ा दौड़ा, पाजी पाजी मैंने क्या हुआ? नहीं नहीं दरवाजा खोलिए। मैंने क्या हुआ? मेरे को आपके पैर छू लिया। मैंने क्यों? मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं किसी पर इस तरह का असर डाल चुका हूं। और वहां से फिर मुझे अकल आई कि हमें अपने एक समझदारी से हमें एक भरोसा है और उसे निभाना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर मैंने हमेशा ध्यान दिया कि मैं कुछ ऐसी गलती ना करूं, और कितनी बार मैं कितनी दफा फ्लाई भी करता हूं, जहां जहां जाता हूं तो कितनी माएं मिलती हैं मुझे, बोलती हैं कि आपकी वो फिल्म देखी और मेरा बेटा वैसा बन गया। तो ऐसा ये जो मेरे को फीलिंग आने लगी, तो मैं उसके बाद मैं अपने आप ही और नम होता गया कि ये जिम्मेदारी है। और मैं हमेशा, मुझे लगता है, आई कनेक्ट